हेलो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि बॉश के जीएसबी 500 आरई में कौन से टूल्स आते हैं। तो हम अब देख रहे हैं, ये है पहले हम देखेंगे स्पिरिट लेवल। हमें स्लाइड करके निकालना है ऊपर से। ये स्पिरिट लेवल हमको बताती है कि लेवल कैसा है। फॉर एग्जांपल, अगर टेबल रखना है आपको या वॉशिंग मशीन की लेवल बहुत अच्छी होनी ज़रूरी होती है, नहीं तो वो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है ऑपरेशन में। तो यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है स्पिरिट लेवल की। ओके, तो उसके बाद ये अपना एडजस्टेबल रेंच बहुत ही यूजफुल है। आपको डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स की जो पाना बोलते हैं उसको, वो रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप एक ही एडजस्टेबल रेंच में कर सकते हैं। मोस्टली प्लम्बिंग में आपका इसका यूज़ होगा, या फिर नट बोल्ट लूज करने में भी आपको मदद होगी। कॉम्बिनेशन प्लायर बहुत ही यूजफुल होती है। ये कॉम्बिनेशन प्लायर की भी क्वालिटी अच्छी है, देख सकते हैं। यहाँ से वायर कटर भी है, वायर भी कट कर सकते हैं। इंसुलेशन इंसुलेशन वगैरह रिमूव कर सकते हैं। ग्रिप भी अच्छी है। ओके, थ्रेड्स वगैरह अच्छे हैं, आप देख सकते हैं। ओके, ग्रिप भी अच्छी है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये हैमर। तो हैमर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी हैमर की क्वालिटी है। ये रिमूवल भी है, अगर नट कौन सा भी कीला निकालना है आपको तो ये यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही उम्दा क्वालिटी, बहुत ही अच्छी है इसकी। इसके लिए आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद ये है, ये सेट है यहाँ पे अपने नट्स निकालने के लिए। देखो डिफरेंट डिफरेंट है, साइजेस भी दिखे हैं यहाँ पे। ये जो है ये होल्डर है, ये होल्डर पहले हमें लगाना पड़ता है ड्रिलिंग मशीन में, और उसके बाद वो यहाँ पे लगता है। ये सब सेट होंगे, देखिए क्लीन निकाला, ये हम रखेंगे। ये ऐसा होता है, इसमें हमें डालना है ये फिट, और ये हमें ये ड्रिलिंग मशीन में ऐसे लगाना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारी ये ड्रिलिंग मशीन, बहुत ही यूजफुल। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस है। देखिए ये जो है दो टाइप के, यहाँ पे एक अगर यहाँ पे करेंगे कंटिन्यूस ड्रिलिंग है कंटिन्यूस, या फिर आप स्क्रू ड्राइवर रिमूव कर रहे हैं फिट कर रहे, तो आपको कंटिन्यूस डिलीवरी मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो इम्पैक्ट ड्रिलिंग है। इम्पैक्ट ड्रिलिंग, अगर आप अपने वॉल में अगर ड्रिल वगैरह कर रहे हैं तो आपको इम्पैक्ट ड्रिलिंग की ज़रूरत पड़ती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्शन स्विच है, देख सकते हैं आप। इधर करेंगे तो वो स्क्रू हम निकालने के लिए ये यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आपको स्क्रू अंडर डालना है तो ये करना पड़ेगा। ये अपने स्विच है, और ये अगर स्पीड आपको लॉक करना है तो ये से यहाँ पे, यहाँ से आप स्पीड भी लॉक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ना, पहली बार मैं कर रहा तो बहुत जब आती है आपको तो ऐसा बीच में उसकी सेटिंग होती है, इसकी सेटिंग ऐसे बीच में होती है इस स्विच की, तो ये प्रेस नहीं होता है तब। तो बहुत लोगों को लगता है कि डिफेक्टिव पीस मिला, नहीं ये तो ऐसा ही है एक्चुअली। ओके, तो आपको ये डायरेक्शन एक यहाँ पे करेंगे तो रिवर्स आ जाएगा, मीन्स पीछे जाया जाएगा, और यहाँ करेंगे तो आपको स्क्रू फिट करना है तो ये वाले यहाँ पे दिखाएंगे, ये वाला। तो ध्यान रखिए, जब ड्रिल करना है तो आपको ये डायरेक्शन स्विच करनी है, नहीं तो आपका ड्रिल वो अंदर नहीं जाएगा और आप ड्रिल करते रहेंगे। ओके, तो बहुत फंक्शंस भी है। हम देखेंगे कि ड्रिल के, मैंने वुड में और वॉल में मैंने ट्राई किया था ड्रिल करने का, तो कैसे हम उसके रिजल्ट भी देखेंगे क्या है। अब हम देखेंगे, ये यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो टेप है। टेप की क्वालिटी ठीक ठाक लग रही है, इतनी अच्छी नहीं लग रही, हाउसिंग काफी ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे मार्किंग जो है यहाँ पे वो सेंटीमीटर्स में दी है, बाकी कोई मार्किंग नहीं है, मीटर्स के वगैरह कुछ भी मार्किंग यहाँ पे नहीं है। यहाँ से ये बटन यूज करके आप ये लॉक कर सकते हैं। ओके, ये लॉक हो गए और रिलीज होने के बाद। ओके, ठीक ठाक लग रही है। यहाँ पे कटर है। ओके,
कटर भी अच्छा है, क्वालिटी अच्छी दिख रही है, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बीट्स है। और ये जो बीट है वो हम वुड के लिए बीट ही है, वुडन बीट्स है। ये है मैसनरी और वॉल के लिए बीट्स है, और ये है HSS स्टील है। स्टील का अगर कुछ ड्रिल करना है चीज में तो ये HSS ड्रिल, और ये है स्क्रू सेट्स है, सब डिफरेंट डिफरेंट स्क्रू सेट है। और यहाँ पे हम उन्होंने स्क्रूज भी दिए हुए डिफरेंट साइज के, उसके ऊपर उन्होंने साइज भी लिखा है। 4 mm है स्क्रूज, 5 mm और 3.5 विथ प्लग्स, प्लग्स भी अंदर। तो काफी कंप्लीट पैकेज उन्होंने दिया है यहाँ पे। हम अभी देखेंगे कि ये डिफरेंट टूल्स का हम कैसे यूज करते हैं। पहले हम देखेंगे, पहले कंटिन्यूस ड्रिलिंग पे रखना है, ये मोड है और कंटिन्यूस ड्रिलिंग पे रखना। और दूसरा महत्वपूर्ण है ये कि जो यहाँ पे जो डायरेक्शन की स्विच है वो हमें यहाँ पे रखनी है। ये जो डायरेक्शन की स्विच है वो प्रेस करनी है कम्प्लीटली, अंदर की तरफ जानी चाहिए। ओके, तो उसके बाद हम ड्रिलिंग स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।